लेकिन कैसा है अभी तक का एक्सपीरियंस? यार बहुत ज़बरदस्त है, रात गुजार रही है, बड़ा मज़ा आया हमें पीछे, और हम जा रहे हैं अभी समुंदर कटा। बादल टकरा चुके हैं हमें और हल्की हल्की बारिश बरसा रहे हैं। खैर यहाँ से हम निकल गए हैं जो पत्रियाटा का मोड़ था, अब हम जा रहे हैं सीधा मरी से नथिया गली से इंशाल्लाह समुंदर कटा ले। डिसाइड ये किया हुआ कि अभी कहीं और रुकना नहीं है। फेसबुक पे भी लाइव सेशन किया है और यूट्यूब पे भी लाइव सेशन कर लिया है और उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आप लोगों को लाइव देखने का। बाकी चेक तो करें यार, सुभान अल्लाह ब्यूटी, सुभान अल्लाह बादल कैसे टच करते हुए जा रहे हैं, या अल्लाह तेरी कुदरत। मैं वीडियो बंद नहीं कर रहा, बस आप लोग देखें आगे। कैमरे का भी ध्यान रखना भाई, मैंने वाटरप्रूफिंग के लिए कोई काम नहीं किया हुआ इसका। अगर किसी को आइडिया है लाहौर से मैं वाटरप्रूफिंग इसकी कर सकूं टेम्परेरी, जो मैं बाद में रिमूव भी कर सकूं, तो मुझे बताएं। वाटरप्रूफिंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोप्रो 7 जो है वैसे तो वाटरप्रूफ ही है, लेकिन मैंने इसका एक जैक उतारा हुआ है जिसमें मैंने इसकी सी टाइप केबल लगाई हुई है माइक अडैप्टर की, वहाँ पर वाटरप्रूफिंग मुझे करनी है। सो नीड योर हेल्प बॉयज। ले जी मरी एक्सप्रेसवे यहाँ पे ख़त्म हो रही है, मुझे यहाँ से मरी से होके हुए जाना नथिया गली और ये रास्ता जाता है मुजफ्फराबाद में। चलो भाई बॉयज पीछे ही हैं, बादल फिर से आ गए स्वागत करने। सुभान अल्लाह, लहराती हुई बल खाती हुई छोटी सी रोड, बाइक राइड का मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा जी नथिया गली लेफ्ट, बुरबन राइट, नथिया गली 35 किलोमीटर दूर है जी। ओ खैर बहुत ही लंबा रास्ता है, कहीं ऐसा ना हो ठंडियानी करने के बाद मुझे उसी रास्ते से आना पड़े जहाँ से लास्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था। वैसे अगर रात होगी तो मैं उसी रास्ते से आऊँगा, यहाँ से नहीं आऊँगा। पहाड़ों की नस्बत वो रास्ता रात में राइड करने के लिए बेहतरीन है। ये जी हम यहाँ से हो गए लेफ्ट नथिया गली के लिए और यहाँ से हमने राइट होना है। वो सामने साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं, आप लोगों को परेशानी का सामना नहीं होगा यहाँ पे किसी भी चीज़ में। नथिया गली और यूबिया सीधा। कैमरा वाटरप्रूफ तो है नहीं, इसलिए कैमरा मैंने डाल दिया अंदर। बाकी ये हमारी प्रिपरेशन है इस बारिश से बचने के लिए। पता नहीं यार आवाज़ कैसी आ रही होगी, सही आ रही होगी बल्कि इतनी गंदी नहीं आ रही होगी इसकी। वैसे ही जो बिल्डिंग माइक है इतना अच्छा है, आवाज़ सही आती है। तो आगे नज़ारे थोड़ी देर के लिए नहीं दिखा सकूँगा, माजरत, उसके बाद देखते हैं। एक बात बताऊँ, सफ़र में जब बारिश होती है ना, ख़ास तौर पर ऐसे पहाड़ी एरिया में ट्रैवलिंग का मज़ा कई खराब रहता है। वे व्यू तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पहाड़ है सामने, सिट्टा घूम रहे अंकल, वसीम वगैरह लेने लगे खा रहे हैं, बादल ऐसे आए हुए हैं, अभी इस टाइम बादलों के अंदर हैं हम, लेकिन हाथ गीले हैं, बाइक गीली है, ये चीज़ है ना, दिल पे एक दर्द का एहसास नमोदार करती हैं मेरी उर्दू, क्या बात है। बारिश रुक गई है लेकिन रोड अभी गीली है, तो मैंने सोचा कि कैमरा दोबारा माउंट करता हूँ और सिचुएशन क्या है, क्या मैं फेस कर रहा हूँ दिखाते हैं आप लोगों को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अरे
सो ये व्यू देखें और मुझे बताएं, एम आई राइडिंग इन क्लाउड्स? ओ यस 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 यस, आई एम राइडिंग इन क्लाउड्स। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हे क्या बात है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। वो देख रहे दरख्त लटका हुआ कैसे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। अच्छा जी, अभी पीछे एक भाई हॉर्न दे रहे थे उमर को, बेसिकली वो बता रहे थे उनकी जैकेट लटक रही थी। थैंक यू सो मच। अगर ऐसा कोई आपको हॉर्न दे तो आप उससे अटेंशन दें अपनी, यानी आपके फ़ायदे के लिए कोई बात की जा रही है इस एरिया में। और दूसरा, मैंने गियर का भी समझा दिया कि गियर में चढ़ानी है, गियर में उतारनी है बाइक। मकसद इस ट्रिप का ही है कि मैं गाइड कर सकूँ उमर को और वसीम को, ताकि ये अगले ट्रिप के लिए रेडी हो जाएँ। फिर बताना चाहूँगा, हाथ में ठंड लग रही है यार। वीडियो तो बड़े बजे देख रहे होगे आप, लश वो सब है, शशके हैं, बादल आए हुए हैं, आए हाय। जो रोमांटिक लोग हैं वो तो अपने महबूब को इमेजिन करके ये वीडियो देख रहे होंगे इस टाइम, हाँ। लेकिन मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, यक ठंडे हो रहे हैं इस टाइम, पता लग रहा है। अल्लाह सबको तौफीक दे ऐसी जगहों पे आने की, आमीन। और सब फिर ऐसी जगहों का एहतराम भी करें, लोगों का एहतराम करें, और गंद ना पिलाएं। गंद जो अपने साथ लेके आ रहे हैं वो वापस लेके जाएं। सफाई निस्फ ईमान है, इम्प्लीमेंट करें इसे। क्या बात है, स्वैग बॉय स्वैग। हेलो हेलो बांदूर, हे बांदूर, हे बांदूर। मनु मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी। ये रे जी, ये कुछ और शरारती आ गए, और देखिए अब अपनी माँ के साथ चिमटा हुआ कैसे। हाय हाय हाय, धूप पड़ी है वहाँ पे, ये देखें। बॉयज आर यू एंजॉयिंग? आगे देखो, आगे ज़्यादा एंजॉय ना हो जाए, ज़्यादा एंजॉय हो जाना। अल्लाह सबको अपने ज़माने में रखे, आमीन। मुझे इनके आगे आना पड़ेगा क्योंकि मैं इनको गाइड कर रहा हूँ, वरना ये कोई गलत मूव ना ले लें। वो फिर आए बांदूर, बांदूर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, धूप निकल आई अल्हम्दुलिल्लाह। इस रोड पे ना मुझे दिन याद आ गए, मुश्कपुरी टॉप जो मैंने किया था विंटर के अंदर, उस टाइम अहमद था मेरे साथ और हुनैन नाजिम, ये दोनों मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज हैं। तो ख्वार हुए थे हम लोग, लिटरली हम लोग ख्वार हुए थे यहाँ पे। उस टाइम बर्फ़ पड़ी हुई थी, एक बस टैक्सी वाले से मुकमंगा किया, उसके टैक्सी में बैठ के आए। बस उस दिन खबर हुए थे जब हम अयूबे से वापस आ रहे थे, वो वही रोड है, मैं देख के दोस्त याद आ गए।
बस वो आ गया आई गैस, डूंगा गलिया, उसके आगे नथिया गलिया, नथिया गली जाकर स्टे करते हैं थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह दोबारा निकलेंगे समुंदर कटा लेक के लिए इंशाल्लाह। डूंगा गली में हम लोग, और वो जा रहा है पाइपलाइन ट्रैक यहाँ से, और ये जा रहा है मुश्कपुरी का ट्रैक ऊपर। हाँ वो भी किया हुआ मैंने, ये वाला भी किया हुआ, ये ट्रैक भी किया हुआ है मुश्कपुरी टॉप का, वो पाइपलाइन ट्रैक भी किया हुआ है, वो पाइपलाइन ट्रैक जाता है आ गया यूबीओ। अभी आगे कहीं रोकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है ना, थे गली में फिर निकलते हैं। अल्लाह अकबर, वसीम आगे वेट कर रहा है, उमर ही आगे मुझे फॉलो करेगा वहाँ तक। नमाज से फ्री हो गया, अब हमने खाना खाना है, उसके बाद इंशाल्लाह समुंदर कटा लेक। बादल भी ज़रा यहाँ से साइड पे हो गए, थोड़े कपड़े सूख गए वैसे, हाथ ना मेरे समझने के अकड़ गए थे, बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नथिया गली में करेंगे इंशाल्लाह लंच, और इसके बाद समुंदर कटा लेक इंशाल्लाह। टाइम कम है, शायद वो भी ना हो पाए, जो मुझे लग रहा है सीरियसली टाइम बाकी कम है, तो कोशिश ये करेंगे कि अंधेरा हो जाएगा। हाँ, और उसमें राइड करते नहीं आपके भैया, आप लोगों को पता, तो कोशिश करेंगे कि वैसे वहाँ से लंच करके जल्दी निकलें, वहाँ पहुँचें, थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊँगा उसके लिए, तो और उसके बाद वापसी कर सकते। अभी यहाँ से आइडिया लगाता हूँ कि वापसी मुझे एप्टाबाद से होके जाना या इसी रोड से वापस जाना, क्योंकि अगर बारिश हो रही है और यही रोड है तो रात में बहुत मस्त होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्दीली देख रहे हैं, विंटर ग्लव्स पहन लिया, बाकी ये हिसाब किताब है भाई का ज़रा भी इस टाइम। बुचर, ये कोई गलत गाड़ी लगा गया, इसके लिए मुझे अपनी बाइक पहले थोड़ी इधर करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये क्या तफरी कर रहे हैं, ये समझ रहे मैं इनके साथ रेस लगा रहा हूँ, रेस इनसे कोई नहीं है। मुझे लगता है कि रात हो जानी है, इस रोड से निकलते निकलते यानी एप्टाबाद पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, ये मेरा आइडिया है, क्योंकि वहाँ में जाके भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, तो इसलिए ऐसा होना है। नथिया गली जब हम क्रॉस करते हैं उसके बाद वो सामने देख लें, वो जामिया मस्जिद है, वहाँ से हमें यहाँ पे लेफ्ट होना, ये नीचे वाली साइड से, उससे बहुत पहले ये बोर्ड भी लगा हुआ है समुंदर कटा झील 5 किलोमीटर, तो यहाँ से हम जाएंगे झील पर इंशाल्लाह। यहाँ से अब नीचे, यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है और एक यहाँ नीचे जा रहा है, तो हमें नीचे वाले रास्ते पे जाना। खामोशी है इस एरिया में, बिल्कुल खामोशी माशाल्लाह, जिस टाइम लोग वापस जा रहे हैं हम उस टाइम यहाँ पे जा रहे हैं, क्या बात है। सो फॉर श्योर ज़्यादा देर लेक पे नहीं रुकना, बस थोड़ी देर वहाँ आपको नज़ारा दिखाना है लेक का सिया, उसके बाद फिर वापसी है, उतरना है हमने एप्टाबाद, और जो वापसी इस्लामाबाद आना है वो एप्टाबाद से होते हुए आना,
हैदराबाद हवेलियाँ। रास्ते मैंने बोला था कि मैं उस रोड पे दोबारा नहीं आऊँगा, बट रात में इस रोड पे सफ़र करने से बहुत बेहतर है मैं उस रोड पे सफ़र कर लूँ। अगर दिन में करना तो सफ़र तो मैं यहीं से वापस जाता। कोशिश करें रात में एक तो सफ़र ना करें, अगर कर भी रहे तो पहाड़ का ना हो। ले जी, ये डाउन हिल सफ़र है और बहुत गंदा रोड बनाया है इन्होंने। ऊपर जाते हुए बैंड बज जाएगी फॉर श्योर। ये क्या बना दिए हो, ऐसे रोड तो ना बनाओ। रस्ते की चढ़ाई और उतराई जो है ये बहुत ख़राब है। अभी लेक पहुंचने से पहले जो मेरा रिव्यू है वो यही है कि अगर आपकी गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है या आपकी बाइक बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है तो यहाँ पे ना आए। ये मेरा लेक देखने से पहले का व्यू है, लेक देखने के बाद क्या होगा वो भी बता दूँगा मैं। जगह ये कुछ अजीब सी लग रही है, पता नहीं क्यों। मैं गवर्नमेंट की एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने ये कदम किया उठाया है, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन जो सड़क है ना ये ऐसे नहीं होना चाहिए, गाड़ियों की मत बजेगी, बैंड बजेगी। अच्छा जी, ये ऑफ रोड ट्रैक यहाँ से शुरू हो रहा है। सामने लेक है, मुझे रोड नज़र आ गया, वहाँ पे वहाँ तक जाना है और ये थोड़ा सा पैच है जो ऑफ रोड है। और इंशाल्लाह असर की नमाज़ पढ़ के यहाँ पे उसके बाद चढ़ जाएंगे दोबारा मरी रोड पे और उतरेंगे इंशाल्लाह एबटाबाद, फिर मगरिब इंशाल्लाह एबटाबाद में। लगता तो यही है कि मगरिब रास्ते में हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ ये बस ऊपर कैसे जाएगी हैं। बाय द वे अभी जो लैंडस्केप ये वाली है और वो जो आगे पहाड़ की है, माशाल्लाह जस्ट अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग, बहुत खूबसूरत लग रही है, मुझे पसंद आई है माशाल्लाह। ये छोटी सी वाटर स्ट्रीम भी है रास्ते में, ये देख लें भाई। यार पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा, पता नहीं क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बसेस कैसे आ गई यहाँ पे, चलो आ तो गई, ऊपर कैसे जाएंगे, हद हो गई यार। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर से ज़्यादा का पैच है ये ऑफ रोड। ओहो क्रिकेट खेली जा रही भाई यहाँ पे। क्या बात है, गुड। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो ये है पार्किंग और यहाँ से आपको पैदल जाना है उस लेक तक, लेक वो आ गए वहाँ पे। टाइम कम है यार, ऐसे मेरा दिल नहीं कर रहा वहाँ जाने के लिए, बट चलो देखते हैं क्या करते हैं। ओ जी पहली झलक लेक की, दिस इज इट समुंदर कत्था। मैंने वह दसो केड़ा समुंदर है, नहायत समुंदर है। मैंने वैसे भी देख ली थी पहले भी, मैंने उस पे देखी। अच्छा पिक्चर्स पे, पिक्चर्स और वहाँ पर उसके रिव्यू बहुत गंदे जो पिक्चर्स है ना इसकी, वो उस ब्रिज से है, वो जो ब्रिज नज़र आ रहा है वहाँ से इसकी पिक्चर ली हुई लोगों ने। जिस तरह का रास्ता है ना उसके लिए अगर आपने यहीं पे आना है, मर्जी है आपकी।
आगे गाड़ी लाउड नहीं है। बात सुने नहीं है, लाउड नहीं है ना, वो आपको बुलाएगा फिर क्या बुलाएगा? एक तस्वीर खींचने सिर्फ, चलो आपकी मर्जी, सिर्फ एक तस्वीर खींचने, एक गाड़ी ले जाए। शुक्रिया। अच्छा हमें तो रिजेक्शन ही मिलती है हर जगह पे, जब भी कहीं ऐसी जगह पे जाएं, पता नहीं क्या बात है। एक तस्वीर खींचनी भाई, खिंचन दो, की होएगा हैं? द मोस्ट हाइप्ड समुंदर कड़ा लेक, दिस इज इट, बस यही है। इंसान जैसा सोचता है ना वैसा होता नहीं है अक्सर। मगरिब यहीं पे होगी तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी, नमाज़ पढ़ के बस यहाँ से निकल रहे हैं अब हम। बस ये अंधेरा होने से पहले पहले ना मेन रोड के ऊपर पहुँच जाए, बाकी फिर खैर ही है इंशाल्लाह। चलो जी बैग पहन लो। पहले मैंने आपको कहा था कि मैं रिव्यू दूंगा लेक कैसी है, ठीक है? अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें। अगर कोई और जगह आपने करनी हो तो वो आप कर सकते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा आई गेस, ठीक है? बाकी सब के ऊपर है, जैसा आप लोग आना चाहें आप लोग आ जाए, ठीक है? चलो जी रिफ्लेक्टर करता हूँ नीचे ताकि इनको आइडिया रहे मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। आते वक्त तो रोशनी थी तो वाटर स्ट्रीम में आराम से निकाल लिया, वैसे अभी भी आराम से निकल रही है लेकिन इतना आइडिया नहीं हो रहा, ये भी वाटर स्ट्रीम के ऊपर ही हम बाइक चला रहे हैं। मैंने भी रेन सूट तो उतारा हुआ है यार, लेकिन मैंने पहन लिया ये वाटर प्रूफ शू कवर पहन लिया मैंने, ये पूरा गैंग है भाई। और मेरे ख्याल से मियाँ बीवी थे बाइक पर। गुड गुड, कीप इट अप। रास्ता ख़त्म हो बस जल्दी से, दूसरा रास्ता है, दूसरा रास्ता भी तो ख़तरनाक ही है यार। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वसीम मुझे कह रहा था कि शिरोज भाई हम चले जाते हैं ठंडियानी। मैंने कहा यार देखो जो चीज़ हमने पहले की हुई है वो दोबारा जाके क्या करें। खैर ठंडियानी भी नहीं जा सकते थे क्योंकि मगरिब का टाइम हमें एबटाबाद पहुंचने से पहले ही हो जाना था, और एबटाबाद से मरी रोड से ठंडानी का रास्ता ऊपर निकलता है और वो समझने आपके एक घंटे की चढ़ाई है। तो मैं इस हक में हूँ ही नहीं कि रात को हम ऐसे चढ़ाई करें फिर उतर रहे हैं वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह रोड ख़त्म हो गई, ये वाली ऑफ रोड पैच ख़त्म हो गया, अब चढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे गियर में बाइक सही चल रही है, 28 की स्पीड है बस, सही है, कोई ज़ोर नहीं पकड़ रही बाइक, यानी इतना मसला नहीं हो रहा हमें चढ़ाने में। उमर की बाइक भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आ रही है। अच्छा ये चढ़ाई का अंदाज़ा इस तरह लगाएं आप कि मेरा जो फ्यूल गेज देखे ये पुल शो करा रहा है, हालाँकि एक पॉइंट कम था, पहला पॉइंट कम था, अभी ऐसे है ऊपर, तो वो इसका बस चला ना मेरे ख्याल से ये पार कर जाए। पिकअप से आगे निकाले हम, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ओ गुड लड़के गुड, आवाज़ से कोई मुझे फील नहीं हो रहा इस बाइक को इतना मसला हो रहा, सही चढ़ गया। ले जी समुद्र कड़ा लेक के ट्रैक से हम वापस ऊपर आ गए हैं मरी रोड पे, यहाँ से हमने हो जाना है लेफ्ट
और अब आगे जाना हमने एबटाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह जब रात को आप लोग राइड करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखा करेंगे, आपकी जब हाई बीम आपने ओपन की ऊपर की दिया तो सामने से जो गाड़ी आ रही है बाइक आ रही है तो उस टाइम आप नीचे कर लें, वो आप समझे ब्लैंक हो जाते हैं बिल्कुल। बस तकरीबन थोड़ा सा दूर ही रह गया फतिशबाजी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थकावट हो गई जी, थोड़ी देर स्टे किया है हमने एबटाबाद के अंदर और खाए हैं यहाँ से चपली कबाब। भूख तो नहीं थी लेकिन मेन हमें जो मेरा दिल कर रहा था और बाकी को भी यहाँ स्टे करें, थक गए थे तो मालिश की है एक दूसरे की कमर की। अब अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। मेरा जो बैग मैंने कैरी किया है ना ये थोड़ा सा हिल गया था जिसकी वजह से मुझे अभी पेन हुई है, क्योंकि इसका वज़न मेरे पर आना नहीं चाहिए था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन नाउ। बस एबटाबाद से निकल रहे हैं, 8:30 से पहले एबटाबाद से हम लोग निकल रहे हैं और उम्मीद है 10:30 पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद। इलियासी मस्जिद ना, अभी इस्लामाबाद निकलते हैं, पता क्या है रेस्ट करना है आज, टाइम हो जाएगा यार। यहाँ के जो ट्रैफिक वार्डन है ना उनको मैंने देखा वो बड़ी मेहनत से लगे होते हैं ट्रैफिक सही करवाने, सिंगल रोड है और ट्रैफिक जैम रहता है यहाँ पे अक्सर। ट्रैवलिंग के दौरान जहाँ पे मैं सफ़र नहीं करना चाहता वो ये रोड है। हैवी ट्रैफिक होती है यहाँ पे और बस आप फंस जाते हो। बाइक पे हम लोग तो फिर भी निकल जाते हैं, बुरा हाल होता है ज़्यादा गाड़ियों वालों का, अच्छा खासा बुरा हाल होता है उनका। कश्मीर हाईवे से जुदा होके इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे मिल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं पसंद आई यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, फेसबुक पे और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप वो देख सकते हैं। खुश रहें, अल्लाह आप सबको खुश रखे, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। दीना 22 किलोमीटर, जेलम 39, लाहौर 210। बस हम सारे नारा मारो, पाकिस्तान नारे तकबीर ए ए ना गुजरा वाले मुंडे।